भागलपुर के जोगसर थाना अंतर्गत आदमपुर हनुमान नगर कॉलोनी में बुधवार को निगरानी विभाग की टीम ने दबिश दी। निगरानी की टीम ने बिहार पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर सह पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के घर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस छापेमारी के दौरान टीम ने भारी मात्रा में नगद, सोने के आभूषण व जमीन के कागजात बरामद किए हैं। निगरानी को यह सभी चीजें दो सूटकेस में मिली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 24 जुलाई को इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसी क्रम में पटना से 4 गाड़ियों से निगरानी के 2 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर व 4 सिपाही बुधवार को सुबह भागलपुर पहुंचे थे। निगरानी की इस छापेमारी का नेतृत्व डीएसपी संजय जायसवाल कर रहे थे। छापेमारी में इतने नोट मिले कि पुलिस को इसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। छापेमारी में टीम को कुल 98 लाख रुपए मिले हैं, साथ ही 1 किलो 400 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी की भी बरामदगी हुई है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं बिहार व बिहार के बाहर की जमीन के कागजात व दर्जनों बैंक अकाउंट बरामद हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में श्रीकांत शर्मा के आवास पर घंटों छापेमारी चली। इसके अलावा उनके कार्यालय पर भी विजिलेंस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। छापेमारी लगभग 11:15 बजे के लगभग शुरू की गई थी। अब तक जो सामने आया है उसमें 97 लाख से ऊपर की नकदी मिले हैं इनके घर से, और गोल्ड ज्वेलरी लगभग 66 लाख के मिले हैं, 3 किलो चांदी है जिसका वैल्यूएशन ज्वेलर्स के द्वारा लगभग 1.25 लाख के ऊपर किया गया है, और जमीन के कई कागजात मिले हैं जो राज्य के अंदर के भी हैं, राज्य के बाहर के भी हैं, इंश्योरेंस के कई कागजात मिले हैं, कई बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो इनके अपने नाम पर, इनकी पत्नी के नाम पर, इनके बच्चों के नाम पर है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में कई निवेश के कागजात मिले हैं जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। जमीन इनके नाम पर है, इनकी पत्नी के नाम पर है, हाँ, बैंक के कई अकाउंट मिले हैं, एटीएम कार्ड मिले हैं, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के कई कागजात मिले हैं जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।